नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनोद गंधर्व है और मैं एचयू म्यूज़िक एंड फिल्म से एज ए सीईओ यहाँ पे हूँ और सारा प्रोडक्शन का काम देखता हूँ। हमारी टीम में अभी जो हमारा मेन काम है प्रोडक्शन हाउस है, तो हम शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं, म्यूज़िकल वीडियोस भी बना रहे हैं और काफ़ी तरह के काम कर रहे हैं और सोशली भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। और शॉर्ट मूवीज़ में हम बहुत सारे सोशल इशू को लेकर काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने रोड सेफ्टी पे काम किया और चाइल्ड लेबर पे काम कर रहे हैं और जो स्लम्स के बच्चे हैं उनको, जो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड जो है उनके लिए एक हमने एक मुहिम छेड़ी है कि उन बच्चों को, जो बच्चे म्यूज़िक नहीं सीख पाते हैं, तो उनको अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर ला के उन बच्चों को हम रहने खाने से लेकर उनके कपड़ों तक की व्यवस्था कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं, उनको इवेंट पे पार्टिसिपेट भी करवा रहे हैं। जो म्यूज़िक एकेडमी है ये प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से एफिलेटेड है और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ से भी इसको एफिलेशन प्राप्त है और हम यहाँ से डिग्री भी करवाते हैं म्यूज़िक में। अभी हमारे पास तकरीबन 200 के करीब बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, जिसमें क्लासिकल वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, पियानो है, गिटार है और एरोबिक्स है, कथक डांस है और कंटेम्प्रेरी है और साथ में सेल्फ डिफेंस भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं और विजुअल आर्ट भी, आर्ट और स्कल्पचर और ये सब भी हम यहाँ बच्चों को करवा रहे हैं। हाँ, हमारी एकेडमी के बहुत सारे बच्चे यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी जगह उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपनी एल्बम्स बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है श्रेया बासु, द वॉइस की रनरअप रही है, जूनियर द वॉइस की रनरअप रही है और हिमांशी है, हिमांशी चौहान, उसके 3-4 एल्बम्स है, अनूप जलोटा जी के साथ गाया है। सृष्टि है, सृष्टि ने भी जोधा अकबर, सिया के राम, महाबली हनुमान, उसमें उसने वोकल किया है, बैकग्राउंड वोकल किया है। और अरुण सेठ है, उसने अभी नॉर्थ का सबसे बड़ा क्लासिकल प्रोग्राम होता है हरबल्लभ संगीत सम्मेलन, उसमें उसने क्लासिकल वोकल में सेकंड और लाइट क्लासिकल में उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे प्राइज़ जीत कर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर देखिए एकेडमीज बहुत सारी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्रोफेशनली भी उनको ट्रेन करवाया जाए, कि इसका यहाँ एचयू में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि एकेडमी के साथ साथ प्रोडक्शन हाउस हमारा है और बच्चे अगर सीख रहे हैं तो उन्हें कहीं दाएं बाएं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास म्यूज़िकल वीडियोज़ हमारे खुद के निकलते हैं, जो एक्टिंग में बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए हम शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं, उनके टाइम टू टाइम उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। और अभी हमने हिमाचल आइडल करवाया था, जिसमें जो वहाँ के विनर्स थे उनसे हमारी कमिटमेंट ये थी कि उनका हम प्रमोट करेंगे, उनके ऑडियो वीडियो बनाएंगे और अभी आजकल उन्हीं की रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है, ऑडियो हो चुका है, वीडियो होना है अभी, आज शूट होना है और बाकी अभी पंजाब आइडल होने वाला है। तो अभी हम नॉर्थ को सारा कवर कर रहे हैं, उसके बाद हरियाणा करेंगे, दिल्ली करेंगे, दिल्ली में तो हमारे इवेंट होते ही रहते, कुछ ना कुछ करते ही रहते हम लोग। उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को, कोई मेरा इंटरव्यू देख रहा है, किसी बच्चे को ये लगता है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको आगे बढ़ाएँ और उसके लिए कुछ करें, लेकिन उसमें ये हुनर होना ज़रूरी है, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात ना, अगर उसमें हुनर होगा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हेलो गाइस, आज हम एचयू एकेडमी दिल्ली के मयूर बिहार में यहाँ पे आए हुए हैं और आप जो मेरे पीछे बच्चे देख रहे हैं, प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे, कल यही बच्चे चल के इस देश का नाम रोशन करेंगे। जानते हैं कि ये बच्चे, इन बच्चों के अंदर जो हुनर है, उस हुनर को ये दुनिया के सामने किस तरीके से परफॉर्मेंस अपनी करके और अपनी कलाओं का जो एक वरदान है ये किस तरीके से लोगों के सामने लाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबसे पहले इस बच्ची से जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अंशिका नेजा। आप यहाँ पे क्या करने आते हो? डांस, सिंगिंग, मार्शल आर्ट, ड्राइंग। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, क्या चीज़ करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग? ड्राइंग। मैं अन्या गुप्ता। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं डांस करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ और मार्शल आर्ट करती हूँ और ड्राइंग। अच्छा, डांस कौन से गाने पे आप सबसे बेस्ट करते हो, वो वाला गाना बताइए। मैं करती हूँ चक बूम बूम पे। साधू, आप क्या करते हो? मैं करता हूँ डांस और करता हूँ कराटे और करता हूँ सिंगिंग। अनुष्का नेजा। अच्छा, आप क्या करने आते हो इस एकेडमी में, क्या करते हो? मैं डांस, एक्टिंग, सिंगिंग और मार्शल आर्ट्स करती हूँ। चार काम सबसे ज़्यादा मन किस चीज़ में लगता है? सिंगिंग में। मैं सिंगिंग। सिंगिंग
हिंदी में कौन से सिंगर के गाने आपको ज़्यादा पसंद है? मेरे को किशोर दास। ठीक है, आपको क्या पसंद आता है, क्या करते हो आप? सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग? डांसिंग। कौन से गाने पे आपको सबसे बढ़िया लगता है? मेरे को हिप हॉप सॉन्ग्स। जानवी। अच्छा, जानवी। जानवी, आप क्या करने क्या करते हो यहाँ पे? एक्टिंग, वोकल, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मार्शल आर्ट। क्या नाम है आपका? और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्यूट सारे बच्चे हैं, कैसे सिखाते हो आप, कैसे गाइड करते हो? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे? बस इनको खेलते खेलते खिलाना सिखाना पड़ता है, नहीं तो सुनते नहीं है। बाकी एंजॉय करते हैं, आराम से गाते गाते आराम से गा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, इनमें से कुछ बच्चे तो उन पर माँ सरस्वती जी का काफ़ी आशीर्वाद है, और कुछ बच्चे नॉर्मली हैं, वो गाते हैं, सीखते हैं एक्टिंग के साथ, उनको सिखाना पड़ता है। कल मेरा नाम दीक्षा देवलस है और मैं हिमाचल से हूँ, और आज मैं यहाँ पे HU म्यूज़िक एंड फिल्म्स में आई हूँ अपनी रिकॉर्डिंग के लिए। अक्टूबर में HU फिल्म्स एंड म्यूज़िक ने हिमाचल आइडल करवाया था, तो उसमें मैं फ़र्स्ट रनर अप थी। तो इसके बाद इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमें अपॉर्चुनिटी दी, तो आज हमारी रिकॉर्डिंग है और आज हमारा यहाँ वीडियो शूट होने जा रहा है। तो इस आपका फर्स्ट वीडियो है, इससे पहले आपने किया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और HU फिल्म म्यूज़िक ने ही हमें ये मौका दिया है करने। धूप छाँव में चलता रहा वो, धूप छाँव में चलता रहा वो, दुख में भी बस हंसता रहा वो, दुख में भी बस हंसता रहा वो, मेरे एक खिलौने की जिद की खातिर मुस्कुरा कर प्यासा रहा वो। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम भुवनेश है। भुवनेश, मैं हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं हिमाचल आइडल विनर हूँ, तो जो कि अभी अक्टूबर 2017 में करवाया था, HU म्यूज़िक एंड फिल्म कंपनी ने वहाँ पे करवाया था, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था। अभी हम आए हैं HU म्यूज़िक एंड फिल्म की तरफ से, यहाँ पे हम आए हैं, हमारा गाना रिकॉर्ड हो रहा है। मैं थैंक्स करता हूँ HU म्यूज़िक एंड फिल्म के लिए, जहाँ से हमें एक स्टेज मिली है अपने सपनों को साकार करने की, सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक यहाँ से एक स्टेज मिली है। HU फिल्म्स आपने कैसे सर्च किया, मतलब कैसे यहाँ तक पहुँचे? एक्चुअली मीडिया के थ्रू हमें पता चला, न्यूज़पेपर में जब एडवर्टिजमेंट आया कि HU म्यूज़िक एंड कंपनी जो हिमाचल आइडल को खोजेगी, तो उस वक्त हमने भी ऑनलाइन ऑडिशन था इनका रिक्वायरमेंट, तो हमने भी वो कर दिया था, उसमें सिलेक्शन हो गई थी, और फिर उस मीडिया के मीडियम से ही हम HU म्यूज़िक को ढूंढ पाए और वो हमें ढूंढ पाए। क्या नाम है आपका, और अभी जो यहाँ पे गाने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का? मेरा नाम है अश्विनी शांडिल और मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ, और जिस जो गाना मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने आया हूँ, वो एक्चुअली जो गाना है वो है उस भगवान के लिए जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें ज़िंदगी दी है, और उसका इस गाने के माध्यम से मैं उसका जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है और जीने के लिए। शिमला से आकर आपने HU म्यूज़िक अकेडमी सुना, क्या लगा आपका, क्या अच्छा लगा? अच्छा तो यहाँ पर सभी अच्छे हैं, बहुत, यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, हमारे ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि हम कभी घर से बाहर बहुत दूर हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं खुशी से एक दूसरे के साथ, सुख दुख में सब। कब से आप इस फील्ड में हैं, अभी जो सिंगिंग करते हैं आप, कब से इस फील्ड में? लास्ट 3 ईयर्स जब मैं इस फील्ड में आया, सीखना शुरू किया। हाय, मेरा नाम हिमांशी है एंड मैं जी में 3 साल से सिंगिंग सीख रही हूँ, एंड मैं बेसिकली क्लासिकल सीखती हूँ, और मैं साथ में बॉलीवुड और कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनती हूँ। मुझे पसंद है सिंगिंग और मुझे तरह तरह के गाने पसंद है, पॉप भी है, पंजाबी भी गाने होते हैं, तो मुझे मुझे इन तरह के गाने पसंद है। पहले आपने कभी कोई ऐसा सॉन्ग वगैरह का एल्बम वगैरह किया? जी, मेरी 2 एल्बम्स निकल चुकी हैं, प्रभु आभार और कान्हा लागे वृंदावनी को, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब की है वो एल्बम, एंड उसमें कृष्ण भजन सुनने को मिलेंगे आपको और भी भक्ति भजन होंगे। किस तरीके के गाने आपको पसंद है, किस तरीके के गाने आप गाते हैं? मुझे बेसिकली मुझे पॉप गाने पसंद है, पुराने गाने भी मुझे बहुत पसंद है, किशोर दा के, रफ़ी जी के, लता जी के, इन सब के गाने मुझे बहुत पसंद है। मेरा नाम सृष्टि गंधर्व है, मैं यहाँ पे 2-3 साल से सीख रही हूँ मेरे गुरु जी विनोद गंधर्व जी से, एंड यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ है,
अगर हमें ऑडियो करनी है तो यहाँ पे हम गाना भी सीख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं, एंड यहाँ पे शूटिंग के लिए भी है अगर हमें खुद की कोई एल्बम करनी हो। जेकेके न्यूज की और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जेकेके न्यूज।